तो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशनल हेल्प डेस्क में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, अभी अभी जारी किया गया है पीएचडी के बारे में। तो उसी के बारे में आज पूरी जानकारी देने वाले कि उस नोटिस में क्या है और ऐसा क्या कहा गया है, ये पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए, साथ ही बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करो, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर आ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को गूगल पर सिंपली सर्च करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ सिंपली आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद आप लोगों को देखिए अपडेटेड नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं अपडेटेड नोटिस का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बगल में यहां पर देखिए व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू ऑल पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी अभी जारी किया गया है, डेट भी मेंशन है अपडेटेड ऑन 19/4/21, यानी अभी अभी जारी किया गया है। नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी के बारे में कुछ नोटिस जारी किया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले सिंपली यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स ऑफ PAT 21, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग PAT 21 पेपर एंड पेपर 2, यू सेंड योर ऑब्जेक्शन अगेन ऑन द ईमेल। ईमेल दिया गया, ये देखिए ईमेल दिया गया osdphdppu21@gmail.com, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम हुआ था पीएचडी का प्री-पीएचडी टेस्ट का, उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 में किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन गलत है या फिर कोई और कारण है, तो आप लोग इस ईमेल पर आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर इसका जो लास्टेस्ट इसका जो डेट है 21/4/21 तक है, आपका जो डेट है आप 21/4/21 तक आप लोग सेंड कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो जारी भी कर दिया गया है, आंसर की जो टेस्ट प्रीपीएचडी टेस्ट लिया गया था उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग उससे मिला लीजिए। और कोई प्रॉब्लम आंसर या क्वेश्चन दोनों में से किसी में आप लोग प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस ईमेल पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर, यानी एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ था PPHD टेस्ट, उसी का जो आंसर की जारी किया गया था और उसी के संबंध में कहा गया था कि आप लोगों को अगर आंसर या फिर जो क्वेश्चन था उसमें दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम है या फिर आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है किसी भी तरह, या फिर आंसर जो जारी किया गया है आंसर की उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप लोग जो वेबसाइट पर जाकर इसके ईमेल पर जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव गलत है, ये कुछ ऐसे है, आप लोग जा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि PAT 2021 यानी PhD एडमिशन टेस्ट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 11/4/21 को PAT 21 की परीक्षा ली गई थी, यानी PAT 21 की परीक्षा 11/4/21 को ली गई थी, जिसका आंसर की वेबसाइट पर दिनांक 14/4/21 को जारी किया गया था, यानी 14 अप्रैल को जारी कर दिया गया था इसका आंसर की, और 17/4/21 तक परीक्षार्थी में ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण
देखिए 17 तक आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन मांगा गया था वो 17 तक मांगा गया था कि आप लोगों को अगर उस आंसर और उस सवाल में कोई ऑब्जेक्शन है या किसी तरह की गलती है तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया गया था, मेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया गया, लेकिन उसी बीच कोरोना का बढ़ते संक्रमण के कारण, यहाँ पाटलिपुत्र द्वारा कहा जा रहा है कि उसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑब्जर्वेशन भेजने की तिथि को बढ़ाकर 21/2021 कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों का जो 17/4/2021 तक आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन भेजने का जो किसी भी सवाल या आंसर में ऑब्जेक्शन जो भी स्टूडेंट को हो वो भेजने के लिए जो 17/4/2021 का डेट दिया गया था अब उसे 21/4/2021 कर दिया गया। पहले देखिए भेजने का जो पहले ईमेल आईडी द्वारा नहीं भेजने के लिए कहा जा रहा था पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते कारण के कारण अब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते या फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर सुविधा देते हुए पूर्व में कई परीक्षार्थियों ने अपनी असहमति परीक्षा नियंत्रण के ईमेल पर भेज उन सबों से तथा जो अभी तक नहीं भेजे हुए हैं वे पुनः एक बार अपने ऑब्जेक्शन प्रमाण के साथ, यानी कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है कि ये गलती है या फिर कोई आंसर में मिलाएं उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये आंसर जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया है ये गलती है, तो आप उसके प्रमाण यानी कि क्यों गलती है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये प्रमाण आप लोगों को दे के वहाँ पर मेल कर देना है। उसके बाद देखिए दिया है कि दिनांक 21/4/2021 तक इस नए ईमेल पर अपना असहमति भेज दें, यानी कि आप लोगों को 21/4/2021 तक आप लोगों को डेट दिया गया है, आप लोग ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अगर गलती रहा होगा या फिर आप लोगों का आंसर की जो जारी किया उसमें कोई गलती है तो उन दोनों में से किसी का ऑब्जेक्शन आप लोग मेल कर सकते हैं कि ये चीज़ आप गलती है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही कुछ अपडेटेड न्यूज़ जानने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। चलिए धन्यवाद।